Hey guys, and आज बड़े दिनों बाद हम बात करने वाले हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो बस फिर ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देख कर जाना। पर उससे पहले अगर आप इस सीरीज की स्टोरी, कास्ट, प्लॉट, अपकमिंग स्पिन ऑफ इन सब के बारे में जानना चाहते हो तो इसके लिए मैंने अलग से इन सारी वीडियोस का प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखा हुआ है, वो भी इसी सीरीज के नाम से, तो उसको एक बार डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। अब देखो, ये बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि गेम ऑफ थ्रोन्स की प्रीक्वल सीरीज HOD यानी कि हाउस ऑफ द ड्रैगन के अंदर मैट स्मिथ, एमा डार्सी, ओलिविया को ये सब आपको एक मेन लीड में देखने को मिलने वाले हैं। बट रिसेंटली इस सीरीज से दो नए कास्ट मेंबर्स के नाम विद देयर रोल्स रिवील किए गए हैं, जिनका रोल इतना बड़ा तो नहीं पर फिर भी काफी इंपॉर्टेंट है। एंड साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनका मेन लीड से रिलेशन क्या है। सबसे पहले है डेविड हेरोविच, जो कि इस सीरीज के अंदर लॉर्ड लीमान बीसबरी का रोल प्ले करने वाले हैं। और अगर इनके बारे में शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो लॉर्ड लीमान किंग जोहरिस टारगेरियन एंड उनके ग्रैंडसन विसरिस टारगेरियन के टाइम से हाउस बीसबरी के हेड हैं। दूसरे हैं जॉनी वेल्डन, जो कि सीरीज के अंदर सैमवेल का रोल प्ले करने वाले हैं। पर ये सैमवेल गेम ऑफ थ्रोन्स का सैमवेल टार्ली नहीं है, बल्कि ये तो अपने HOD का सैमवेल ब्लैकवुड है, जो कि हाउस ब्लैकवुड का हेड भी बनता है जब सिविल वॉर यानी कि डांस ऑफ द ड्रैगन की शुरुआत होती है। और अगर मैं आपको हाउस ब्लैकवुड के बारे में थोड़ा और डिटेल दूं तो देखो, हाउस ब्लैकवुड यानी कि ब्लैकवुड घराना रिवरलैंड्स के रावेंट्री हॉल का सबसे पुराना घराना है, जो कि उन मेन फैमिलीज में से एक है जिन्होंने रिवर रन के हाउस टली के लिए शपथ ली थी। और हाउस ब्लैकवुड रिवरलैंड्स पर एज अ किंग रूल कर चुका है एज ऑफ हीरोज के टाइम पर, जो कि लॉन्ग नाइट के टाइम का एज है। पर इस सीरीज की मेन स्टोरी फोकस करने वाली है राहिंडा टारगेरियन के ऊपर, जो कि अपने पिता विसरिस टारगेरियन के मरने के बाद आयरन थ्रोन पर बैठना चाहती है। और दूसरी तरफ है एलिसेंट हाईटार, जो कि अपने बेटे एगन को आयरन थ्रोन पर देखना चाहती है। और तीसरी तरफ होगा डेमन टारगेरियन, जो कि कितना खतरनाक है इसके बारे में आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब देखो, सैमुअल ब्लैकवुड पहले भी यंगर राहिंडा के फेवर में हाउस ब्रैकन के खिलाफ लड़ चुका है, जो कि उसका पुराना राइवल भी है। अब जैसा कि मैं आपको पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोस में अपडेट कर चुका हूं कि आपको इस सीरीज के अंदर राहिंडा टारगेरियन और एलिसेंट हाईटार का यंगर वर्जन भी देखने को मिलेगा, तो इसीलिए आपको इस सीरीज के अंदर सैमवेल ब्लैकवुड का भी एक यंगर वर्जन देखने को मिलेगा जब उसने राहिंडा के फेवर में हाउस ब्रैकन के खिलाफ लड़ाई की थी। और मे बी जॉनी वेल्डन यंगर सैमवेल ब्लैकवुड का रोल प्ले करेंगे, पर यह चीज अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं की गई है। बट ये कंफर्म है कि आपको इस सीरीज के अंदर सैमवेल के बेटे बेंजिकॉट और उसकी बहन एलिसेन का भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा, पर उनका रोल इस सीरीज के अंदर कौन प्ले करने वाले हैं तो वो चीज अभी तक रिवील नहीं की गई है। और अगर बात करें इस सीरीज की रिलीज डेट की, तो ये शो आपको 2022 में स्प्रिंग के टाइम पर देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं आपको पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियोस में कई बार बता चुका हूं। और बाकी इस सीरीज के टीजर और ट्रेलर के बारे में ऐसी कोई भी अपडेट नहीं निकल के आई है, पर फ्यूचर में इसके बारे में जो भी अपडेट निकल के आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।